I request the Honorable Thiris Sanjay Singh, Member of Parliament, Aam Aadmi Party, to deliver the special address. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आदरणीय एमके स्टालिन साहब को, पी विल्सन साहब को, कि उन्होंने एक अच्छी चर्चा की शुरुआत की है सोशल जस्टिस के मुद्दे को लेकर। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी वर्षों से लड़ाई चली आ रही। एक व्यक्ति किसके घर में पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं होता। एक व्यक्ति किस जाति में पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसको बताया जाता है कि आप अछूत हो। जन्म के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं और सामाजिक न्याय का मूल सिद्धांत यही होना चाहिए। भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान की मूल आत्मा क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना सामाजिक बराबरी की बात करती है, प्रस्तावना आर्थिक बराबरी की बात करती है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी अगर बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं दलित समाज से हूं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, तब मैं घोड़ी पर बैठ के जाऊंगा, इसका मतलब आज भी छुआछूत और भेदभाव की व्यवस्था है। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी कर्नाटका के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांव में इसलिए घुसने नहीं दिया जाता उद्घाटन करने के लिए क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से है, अगर आजादी के 75 साल के बाद भी हाथरस जैसा कांड होता है, अगर आजादी के 75 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में एक दलित को शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता, इसका मतलब आज भी सामाजिक न्याय का मुद्दा जीवंत है। बराबरी चाहिए और गैर बराबरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज लैटरल एंट्री, लेटरल एससी कम्युनिटी, लेटरल एंट्री के जरिए भारत की सरकार बड़े बड़े पदों पर अपने चहेते लोगों को भर्ती करते जा रही है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, देश के सारे विश्वविद्यालयों में, तमाम जगहों पर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो माता जी हैं, उनकी मां जो है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी बिहार के चुनाव में कहते हैं रिजर्वेशन पर रिव्यू होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इस देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था है, आरक्षण के जरिए लोगों को न्याय की व्यवस्था चलनी चाहिए, तभी वो समाज में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, दोनों में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। अगर आपको बराबरी की लड़ाई करानी है तो जो जीरो पर खड़ा है उसको आगे लेकर आइए और तब प्रतियोगिता कराइए। और इसके लिए रिजर्वेशन का जो सिद्धांत है वो विशेष अवसर का सिद्धांत है, जो समाज के पिछड़े हुए, शोषित, वंचित लोगों को मिलना ही चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना से भाग रही है सरकार, ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो चाहती है कि वर्ण व्यवस्था रहे समाज के अंदर, जाति के आधार पर भेदभाव रहे समाज के अंदर, वो चाहती है कि ये जो भेदभाव की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है ये जीवित और जिंदा रहे। मैं आम आदमी पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि हम इस जाति जनगणना के पक्ष में हैं और जातिगत जनगणना देश की सरकार को कराना चाहिए। पता तभी चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं और तभी आप उनके साथ न्याय कर सकते हैं, अन्यथा खाली सबका साथ सबका विकास का नारा देके और कुछ लोगों को आप खरबोपति बनाते जाए तो ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। आज देश की सारी संपत्ति
सारी संपत्ति आकाश में पूछो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, आज सारी की सारी संपत्ति आकाश से लेकर पाताल तक प्रधानमंत्री ने अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का है, मित्रों का। और इस व्यवस्था को हमें बदलकर ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें आर्थिक भागीदारी भी हो, सामाजिक भागीदारी भी हो और नौकरियों में भी बराबर की भागीदारी हो, तभी यह देश आगे जब बढ़ पाएगा। मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देते हुए ये कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है उसका समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस लड़ाई को जब जब आप आगे बढ़ाएंगे, जहां कहीं भी हम लोगों को बुलाएंगे, सदन से लेके सड़क तक आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।